Hi friends, this is Manmohan Gupta from Vidya Mandir classes. So through this video, I'm inviting you to participate in the life quiz challenge we are starting from the next week. तो अगर आप VMC में हैं दोस्तों, तो आपको तो ये आइडिया होगा, आप हर वीक पार्टिसिपेट करते हैं लाइव क्विज चैलेंज में. लेकिन जो VMC के स्टूडेंट नहीं हैं, वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनकी एक अपॉर्चुनिटी है. जो VMC के स्टूडेंट के साथ, वो इस क्विज़ में पार्टिसिपेट ले कर सकते हैं. तो ये क्विज़ लाइव क्विज़ है क्या? एक तो इसमें लाइव इसलिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे, द सेम जूम मीटिंग में आप लाइव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, आप उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आप अपना आंसर टिक करेंगे, डिफाइंड टाइम होता है क्वेश्चन में, और जैसे ही टाइम ख़त्म होगा तो आपको वहीं आपका आंसर दिखेगा, वहीं पे आपको पता चलेगा कितने लोगों ने सही किया है, कितने लोगों ने गलत किया है. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने की. क्या कि जो टॉपिक आपने कर लिए, जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसके अंदर अगर आपको जो क्वेश्चंस हैं आइडेंटिफाई करना कि वेर यू स्टैंड एज कम्पेयर टू अदर्स, एज वेल एज आपको एक पता चलता है कि मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है उसमें, मेरी कैलकुलेशन गलत हुई है, मेरा मेरा टाइम कम पड़ा है मुझे, वो सब चीज़ों का आइडिया लगता है. मैं आपको और बताता हूँ उसको इसके बारे में. तो ये 4 वीक्स तक का चैलेंज रखा है हमने. अगर आप जो आपका स्कोर बिल्ड करोगे वो 4 वीक्स तक बिल्ड करोगे आप. तो पहले वीक में क्विज़ होगी मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, फिर सेकेंड वीक में होगी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर थर्ड में, फोर्थ में. जब 4 वीक्स पूरे हो जाएंगे तो आपका कंबाइंड स्कोर देखेंगे हम क्या है, और उसके अकॉर्डिंग में हम रैंकिंग करेंगे. हर क्विज़ की भी रैंकिंग आपके पास आएगी, लेकिन हम 4 वीक का स्कोर को भी क्यूमुलेट करेंगे. दैट्स वाई वी कॉल दिस एज 4 वीक्स चैलेंज. क्विज़ हर हफ्ते होगी, ऑल सब्जेक्ट्स में होगी, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और हम सब्जेक्ट को रोटेट करते हैं जिससे भी आपको आइडिया रहता है कि मैं अगर मैथ पहले करूँ, फिजिक्स पहले करूँ, फिर केमिस्ट्री पहले करूँ, सेकंड ऑर्डर में क्या रखूँ. एक हो सकता है आपने पहले से ही अपना एक अपना बना के रखा होगा आपका फेवरेट क्या है, लेकिन रोटेशन करने से आप एक्सपेरिमेंट होगा आपका कि आपका दिमाग किस टाइम पे बिगनिंग में मैथ में अच्छा चलता है, या मिड में अच्छा चलता है, या लास्ट में अच्छा चलता है. तो ये सारी एक्सपीरियंस हम आपको लाइव में कराएंगे. जनरली टिपिकली छोटे क्विजेज हैं, मैथ का 30 मिनट्स चलता है, फिजिक्स का भी अराउंड 30 मिनट्स, केमिस्ट्री 20-25 मिनट्स, एंड जनरली देयर आर 15 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट. एंड देन विल आल्सो गिव यू द वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस. समटाइम्स वी माइट डिस्कस इट लाइव एट दैट टाइम आफ्टर द क्विज ओनली. सो आपको जो क्वेश्चन किए आपने, जो कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम आई होगी, आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, वो सब आप वीडियो सॉल्यूशन से अपनी लर्निंग कर सकते हैं. और जैसे मैथ मैं कराता हूँ तो मैं जो कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन का, वो भी मैं थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट के अंदर. पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ सकते, बट यस, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी एक मैं आपको देता हूँ जब मैं पेपर डिस्कस करता हूँ मैथ का. ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो टीचर हैं वो भी उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे उसको. एंड देन यू कैन बिल्ड द योर स्कोर इन 4 वीक्स, एंड देन विल गिव यू प्राइजेस यू नो लाइक आफ्टर 4 वीक्स. तो वीक 1 का जो हमारा टाइमिंग है पेपर का, अगर आप JEE 2021 में, मतलब अगले साल अगर आप 12th में हैं तो अगले साल एग्ज़ाम देंगे 2021 में, तो उसका पहले वीक का जो टाइमिंग है वो है 8th जून को 11 AM, 8th जून 11 AM को, ध्यान रहे 8th जून 11 AM को. और अगर आप 11th में हैं अभी, तो स्टार्ट होगा 15 जून को, एंड टाइमिंग विल बी 3 to 6. 3 घंटे रखा है हमने, 3 घंटे से पहले ही ख़त्म हो जाता है. बिटवीन 2 and 3 आवर्स इट विल गेट ओवर, राइट. एंड सिलेबस क्या रहेगा इसका मैथ में, इफ़ यू आर इन मैथ में, अगर आप 2021 में हैं तो मैथ का सिलेबस है फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी. इट्स अ पार्ट ऑफ द कैलकुलस. कैलकुलस का आधा पार्ट मैं कहूँगा ये फंक्शंस है, लिमिट्स, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी. फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डीसी सर्किट्स, केमिस्ट्री में लिक्विड सॉल्यूशंस है. तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको मतलब लग रहा है कि मेरे तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस की प्रिपरेशन नहीं है, तो आप एक पर्टिकुलर क्विज़ भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर क्विज़ अलग होती है. जैसे पहले मैथ हुई है, फिर मैथ ओवर हो जाएगी, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक होगा, फिर फिजिक्स, एंड देन ब्रेक, एंड देन केमिस्ट्री, और ऑर्डर चेंज भी होता रहेगा. तो अब अगर आप जिस सब्जेक्ट की भी तैयारी है वो आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने तीनों में अपीयर होना है आपने. तो अगर आप 11th में हैं, 15 जून को स्टार्ट होगी क्विज़, और सिलेबस रहेगा मैथ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज. फिजिक्स में कंप्लीट काइनेमेटिक्स,
केमिस्ट्री में स्टोशियोमेट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये सिलेबस है, आप एक बार नोट कर लो या फोटो ले लो वीडियो में से, कि मैथ्स में क्वाड्रेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज, फिजिक्स में कंप्लीट काइनेमेटिक्स, केमिस्ट्री में स्टोशियोमेट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप चैलेंज को ज्वाइन करेंगे, मैं उस टाइम भी आपको बता दूंगा, तो आपको अपना एक वहाँ पे एक नाम पूछते हैं कि आप किस नाम से ज्वाइन कर रहे हो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, जिसमें पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप VMC में हैं तो ऑलरेडी कोई ज़रूरत नहीं करने की, बट इफ़ यू आर नॉन नॉन VMC स्टूडेंट देन यू विल हैव टू रजिस्टर यूजिंग अ लिंक। लिंक ये रहेगा हमारा लाइव क्विज, LIVE लाइव, QUIZ लाइव क्विज, LIVE लाइव, QUIZ क्विज, लाइव क्विज डॉट विद्या मंदिर डॉट कॉम। आई रिपीट, लाइव क्विज डॉट विद्या मंदिर डॉट कॉम। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पेज होगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। अगर आप VMC के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, आपको वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपके पास पहले से ही होगा। सिमिलर वीडियो, सिमिलर बातें मैंने पहले भी करी हैं उस वीडियो में। सो आई रिपीट, नॉन VMC स्टूडेंट्स को दे विल हैव टू रजिस्टर एट अ वेबसाइट लाइव क्विज डॉट विद्या मंदिर डॉट कॉम, LIVEQUIZ डॉट विद्या मंदिर डॉट कॉम। और वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे, वो कहाँ ज्वाइन करेंगे आपको हम बता देंगे। रजिस्ट्रेशन जब आप रजिस्टर करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर, अपना जो मोबाइल है या आपका ईमेल है, वो सही देना आपने, क्योंकि उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने कैसे लाइव क्विज ज्वाइन करनी है। आई रिपीट, मोबाइल नंबर, ईमेल आपने सही देना है, सो दैट यू नो वी कैन सेंड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइव क्विज, अबाउट द यू नो द लिंक थ्रू विच यू विल ज्वाइन द लाइव क्विज। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो आपने वहाँ टाइप करना है, डैश बीच में हाइफन योर फर्स्ट नेम। ये आपको, अगर आप इस तरह से रजिस्टर करेंगे तभी आपको रिजल्ट पता चलेगा, नहीं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपको, आप कौन हैं, यू नो आपके पास कुछ एक नंबर तो चाहिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस नाम से लॉगिन करके अटेम्प्ट करेंगे, इस पैटर्न से, रजिस्ट्रेशन नंबर यू नो डैश फर्स्ट नेम, देन ओनली वी कैन गिव यू द स्कोर एंड वी कैन गिव यू द रिजल्ट। प्लीज़ इसमें कुछ चीज़ें मैं कहूँ कि अगर आप, मतलब इट इज़ डोंट टेक इट लाइक अ गैम्बलिंग थिंग, गैम्बलिंग इन द सेंस कि आके अपना गैस वर्क कर रहे हैं और अपना लक देख रहे हैं, लक कैसा है मेरा, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, डजेंट मेक सेंस, यू विल वेस्ट योर टाइम, यू नॉट लर्न एनी थिंग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है, राइट। अगर लास्ट में चलो नहीं हो रहा, टाइम खत्म हो रहा है, तो आपने कहा चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, अपना लक गैस वर्क कर देता हूँ, बट शुरू में नहीं करना है आपने, शुरू में कोशिश करनी है, सोचने की कोशिश करनी है, कॉन्सेप्ट है क्या क्वेश्चन के पीछे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है तो बाद में आपको रिवीजन चाहिए होगी। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन की डायरेक्शन आपकी सही जा रही नहीं जा रही वो देखो आप, और फिर अगर अगर डायरेक्शन सही जा रही है, ख़त्म नहीं हुआ, तो आपको समझ आएगा मेरे को टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए था मेरे को। टाइम हम डिसेंट देते हैं, उसमें भी नहीं कर पाया अब, तो आपको स्पीड की इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आप मिस्टेक कर रहे हैं क्वेश्चन में तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक पर फोकस करना पड़ेगा, आपके हिसाब से मिस्टेक करते हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा। और प्लीज़ कीप एन आई ऑन टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। मैथ में फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन होगा, जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे, एडवांस का एग्ज़ाम देंगे, तो जनरली हमें 65-70 मिनट्स तक मिलते हैं मैथ के अंदर। 70 मिनट्स में मेंस में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, एडवांस में कभी 18 आते हैं, कभी 20 आते हैं, तो पर क्वेश्चन टाइम की जो सेंस है ना वो आपको यहाँ से मिलेगी। तो आपने ध्यान रखना है कि टाइम पे फोकस करना है, कितना टाइम लग रहा है, और ऑफ कोर्स पेपर एंड पेन चाहिए, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं, आप अपना तो के नहीं मार रहे हैं, गैस वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड देन दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको या तो दो डिवाइस होंगे, होने चाहिए आपके पास, एक कंप्यूटर पे आपका क्वेश्चन आ रहा है और एक आपके मोबाइल फ़ोन पे आप वहाँ से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वो कैसे करेंगे बता दूंगा। दो डिवाइस भी नहीं है आपके पास, एक ही लैपटॉप है, तो आप ये करना पड़ेगा, आपको दो विंडो खोल सकते हैं, एक में क्वेश्चन आ रहा है, एक में आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या फिर आप एक ही ब्राउज़र में एक ही विंडो में दो टैब खोल सकते हैं, कि एक पे क्वेश्चन देखा आपने, फिर आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आंसर देने के लिए दूसरे टैब पे जाना है, क्योंकि एक जगह क्वेश्चन डिस्प्ले होता है और एक जगह आपको चॉइसेस आती हैं, जिसमें आपको अपने अटेम्प्ट को वहाँ पे देना होता है, अटेम्प्ट को आपको करना होता है। तो ये मैं जिस दिन क्विज होगी उस दिन भी आपको पहले बता दूंगा, बट दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू हैव टू विंडोज, वन फॉर द क्वेश्चन, वन फॉर गिविंग योर रिस्पॉन्सेज। एंड देन दिस इज समथिंग वाई यू शुड ज्वाइन, वाई यू शुड टेक पार्ट, इट्स नॉट अ नेसेसरी थिंग, वी आर इन्वाइटिंग यू टू टेक पार्ट। तो इससे कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे मैं आपको कहा टाइम बाउंड की प्रैक्टिस है, समझाने की कोशिश मैं कर रहा था कि हर एग्ज़ाम में टाइम पर बहुत लिमिट होती है,
और बच्चों को क्या है कि अपना शुरू में ही 5-7 क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देते हैं, रियलाइज़ नहीं करते बाद में जो और क्वेश्चन पड़े हुए हैं उनमें से भी वो क्वेश्चन कर सकते थे, उसमें से स्कोर कर सकते थे, लेकिन सारा टाइम कुछ क्वेश्चन पर लगा दिया उन्होंने, और हो सकता हो भी ना रहे हो। तो जनरली टाइम तुम उसमें ज़्यादा लगा देते हो जो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता, और इसके चक्कर में जो क्वेश्चन आप कर सकते थे जो बचे हुए हैं बाद में वो आपके रह जाते हैं। तो हर क्वेश्चन में टाइम की सेंस कि टाइम शुरू होता है और ख़त्म हो जाएगा, ये फीलिंग हमें पेपर की तो होती है पूरी फीलिंग, लेकिन पर क्वेश्चन में टाइम की फीलिंग नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आप बिल्ड करोगे। हमने ये एक बार हमें रन कर चुके हैं अपने BMC स्टूडेंट के साथ, और फीडबैक लिया था, अमेजिंग फीडबैक था। लोगों ने कहा 4 या 4-5 बार ये करने से क्विज़ को उनको टाइम की सेंस बढ़ गई है, थोड़ा जल्दी भी कर पा रहे हैं और टाइम की सेंस भी उनकी बढ़ गई है। तभी हम ये यू नो नॉन VMC के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट कि उनको भी VMC का यू नो मतलब एक आइडिया दे पाएँ कि हम यहाँ पे किस तरह से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। VMC का पार्ट बनाने की कोशिश है कि उनको यहाँ की अच्छी चीज़ें का भी यहाँ पे उनको चांस दें। और मतलब क्विजिंग विद सम चैलेंज, कुछ एक मतलब यू नो एक फ़न पार्ट तो आता ही है। एक बार आप नॉर्मल टेस्ट देते हैं, फिर आजकल ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, फिर मतलब कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है, फिर वो स्कोर आता है, यहाँ पे इमीडिएटली आपको पता चल रहा है लाइव, इमीडिएटली एंड ऑफ द क्विज में समझ आ जाएगा आपका क्या रैंक है। सारे रैंक नहीं पता चलेंगे तो एटलीस्ट आपको फील आ जाएगी मैंने कि बाकी लोगों ने कैसा स्कोर किया है। तो एक वो जो फ़न वाला बात होता है कि फ़न का जो होता है कि अच्छा आपने कुछ कम्पीट किया और एकदम रिजल्ट आ रहा है, तो वो एक फ़न है इस चीज़ का। यू विल कम टू नो योर वीकनेसेस, कि आपने अगर कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को बिल्ड नहीं कर पाते, आप आंसर की तरफ लेके नहीं जा पाते, आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको टाइम कम पड़ता है क्वेश्चन के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको फीडबैक वहाँ पे मिलेगा। और टीचर्स भी होते हैं वहीं पे, आपको थोड़ा कौन समझाते रहते हैं कि क्वेश्चन जब ख़त्म होता है कि इस क्वेश्चन में आपने ये करना चाहिए था, इस क्वेश्चन को ऐसे करते आप, तो टीचर्स भी जो सीनियर टीचर्स हैं वो भी वहाँ पर आपको टिप्स देते रहते हैं। और इफ़ यू नॉन VMC स्टूडेंट, यू विल गेट अ चांस टू कम्पीट विद VMC स्टूडेंट, यू जस्ट टू सी वेर यू स्टैंड, एंड देन यू माइट विन गुडीज इफ यू यू नो इफ यू आर द अमंग द टॉप स्कोरर्स। सो दिस इज़ वॉट वी प्लान टू गिव द प्राइजेस ओवरऑल, दैट विल जस्ट विल सी द डेटा ऑफ द 4 वीक्स बिकॉज दिस चैलेंज रन फॉर 4 वीक्स। वी सी द टॉप 50 स्टूडेंट्स ओवरऑल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में 4 वीक्स में, 4 हफ्ते के स्कोर पे जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को ऐड करके जो सबसे हाइएस्ट टॉप स्कोरर होंगे, विल गिव देम सम प्राइजेस, सम अवार्ड्स, बट पर सब्जेक्ट ऑल्सो। इफ़ यू नो लाइक इफ़ यू आर नॉट गुड, नॉट नॉट अमंग द टॉप स्कोरर लिस्ट इन टॉप 50 ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बट यू आर इंडिविजुअली योर स्कोर इज अमंग टॉप 50 इन मैथ, तो तब भी मतलब यू कैन विन समथिंग, एंड सेम फॉर फिजिक्स एंड सेम फॉर केमिस्ट्री। और कुछ अगर कॉमन लोग हैं जिनमें मैथ्स में भी टॉप 50 में आ रहा है, ओवरऑल भी टॉप 50 में आ रहा है, केमिस्ट्री में आ रहा है, सो दे हैव अ चांस टू विन मल्टीपल मल्टीपल प्राइजेस। तो प्राइजेस का तो आइडिया हमको, बहुत एक्सपेंसिव प्राइजेस नहीं है, सो डोंट 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 बी यू नो डोंट पार्टिसिपेट फॉर दैट, पार्टिसिपेट फॉर फन। प्राइजेस विल बी स्मॉल स्टफ राइट, नॉट द बिग बिग थिंग, बट यस इट्स नॉट अबाउट द यू नो द एक्सपेंसिव प्राइजेस, इज जस्ट अबाउट द यू नो फन टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ, उस लाइव जो नेचर है उसकी, और पर क्वेश्चन में जो टाइम लिमिट है और उसका जो थ्रिल है और उससे जो एडवांटेज है, दैट्स अ मेन यू नो मेन यू यू कैन से द एडवांटेज ऑफ और ऑफ दिस लाइफ क्विज चैलेंज। थैंक यू गाइज।